कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़वे को काम करत है और कांग्रेस पार्टी देश को जोड़वे को काम करत है। और ये बयान पे भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करी है। सबसे पहले आप सुनो कि दिग्विजय सिंह का बोले हैं कि कश्मीर के जो एक संवेदनशील क्षेत्र है उसको आप इस तरह से डील नहीं कर सकते जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो कहां छुपे हुए बैठे हैं विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर साहब कहां छुपे हुए हैं, दोनों सामने आके कुछ कहते, लोगों को जबरदस्ती वहां पे रोका जा रहा है। पूरे तरीके से इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये लोग। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? अगर फ्रिंज एलिमेंट की बात करते हैं तो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर नफरत के बयान दिए, क्या उनको भी आप फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में डालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के उससे कि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा बताइए, ये फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? उत्तर मध्यप्रदेश सरकार के नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही है कि दिग्विजय सिंह शायद उल्टी कह रहे, कहे कि कांग्रेस देश को कहूं जोड़त है, ई बात को भरोसा जनता भी नहीं करत। देखिए कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, हैदराबाद भी कांग्रेस वहाँ के निजाम को देना चाहती थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनके कारण हैदराबाद भारत में वापस लौटा। इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने की कोशिश की है, समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है और भारत देश का विभाजन भी कांग्रेस के कारण ही हुआ है। भारत देश का विभाजन भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का विभाजन हुआ, इसलिए कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही है। आज भी कांग्रेस ये प्रयास करती है कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इनमें आपस में टकराव हो और उसको वोटों के रूप में वो उपयोग कर सकें, और इसलिए कांग्रेस के हमेशा जो बयान आते हैं वो समाज को तोड़ने वाले बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आते हैं, समाज को जोड़ने के बयान कभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के एक बयान के बाद अरब देशों से आई प्रतिक्रिया के बाद देश में भी चर्चा गर्म है और लगातार बयानों को लेकर बहस को दौर जारी है। श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।